देखिए प्रश्न नंबर एक लिख रही हूं मैं। प्रश्न है वाक्य शुद्ध कीजिए। क्या प्रश्न है? सब बच्चे देखेंगे, वाक्य शुद्ध कीजिए। ये ग्रामर की कॉपी में आप लोग कर लेंगे वर्कशीट डाल करके। वाक्य शुद्ध कीजिए, पहले आप ध्यान से देखेंगे वाक्य। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया। इस वाक्य को अगर हम शुद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए। निकल गए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। क्या ये वाक्य सही है? क्या आएगा सही वाक्य? क्या आएगा? बहुवचन है ये, मतलब बहुत सारे स्कूल तो है नहीं, स्कूल तो एक ही है ना। तो यह मेरा स्कूल है। अब देखिए थर्ड नंबर, बैल घास चरती है। बैल घास गलत। देखो ये बात है और ये बात है। देखो यह मेरा स्कूल है, यह तुम्हारे खिलौने। खिलौने क्या है यहाँ पर? मैम खिलौना, मैम ये खिलौने। खिलौने बहुवचन है, मतलब किसी बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं ना। यस मैम। तो वो बोल रहा कि यह नहीं आएगा, ये तुम्हारे खिलौने हैं। ये बहुवचन आ जाएगा, यह की जगह क्या आएगा? ये क्योंकि ये बहुवचन है, ये तुम्हारे खिलौने हैं। ठीक है, तो ये वाक्य हमने कुछ शुद्ध किए हैं। अब देखिए एक और इसमें प्रश्न देखेंगे हम। विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर सेकंड है विलोम। ये वर्कशीट के क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, अब देखिए विलोम शब्द में एक लिखा है, एक का विलोम क्या होगा? एक का अने वन टू। और देखिए दूसरा दिन, दिन का विलोम रा। सब लोग इसको कर लेंगे ना। आप थर्ड नंबर देखिए,
शब्दों के क्या लिखें? विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखें। आप देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर थर्ड, क्या है? पर्याय वाची, पर्याय वाची शब्द लिखिए। हम दो दो पर्याय वाची शब्द हर शब्द के लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। प्रश्न नंबर चार, प्रश्न चार है विलोम, बातें नहीं विलोम शब्द लिखिए। अभी तक किसी की आवाज नहीं आ रही। विश्व, ये विश्व था मैम, विश्व संसार नहीं प्रश्न। अच्छा वाक्य तो परिवर्तन नहीं है ना, विलोम शब्द नहीं है ये, रात विलोम शब्द तो ये हो गए ना, प्रश्न नहीं है।
बच्चों इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।